हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आई एम नैना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी है कि आप फेस को ग्लो कैसे करें। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड बहुत ज़्यादा बेस्ट भी है। तो गाइस, जैसे कि समर सीज़न आ गया है तो इस पर पिम्पल की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि पिम्पल या फिर उनके मार्क्स हमारे फेस पर रह जाते हैं जो जल्दी नहीं जाते हैं। कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी हमारा फेस ऐसे ही रहता है। तो गाइस, अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज़ करेंगे तो आपके मार्क क्लीन हो जाएंगे। इसमें जो मैं आपको सामान बताने वाली हूँ वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी करता है और ये रेमेडी ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि वो रेमेडी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमें लेना है व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, हमारी स्किन को भी क्लियर करता है। तो गाइस, इसमें हमें ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन के सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है और ज़्यादातर मार्क्स एंड पिम्पल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस, 1 टीस्पून व्हीट फ्लोर लेना है एंड उसके बाद हमें 1 टीस्पून ही गुलाब जल इसमें यानी कि रोज़ वाटर डालना है। रोज़ वाटर ऐड करने के बाद हमें एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डालना है। तो गाइस, विटामिन ई कैप्सूल हमारी ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और हमारी स्किन पे से एकदम ऑयल को भी हटाती है और हमारी स्किन पे भी ग्लो लाती है। इसका यूज़ हमें हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर करना चाहिए जिससे कि हमारी स्किन एकदम क्लियर हो जाए। तो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।